हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अकेडमी। दिस इज आरती मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस न्यू लेसन में। हम रशियन रिवॉल्यूशन को स्टडी कर रहे हैं और ये उसी लेसन का सेकेंड पार्ट है। और इस लेसन में हम बेसिकली जानेंगे कि रशिया में सोशलिज्म किस तरह से आया और सोशलिज्म क्या है और इसके बाद कैसे चीजें चेंज हुई। इस सीरीज के जो पुराने लेसन है वो अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड करके सीख सकते हैं और साथ ही इसे आप प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो आइए शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट। हमारे लेसन का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। मैं हूं आरती मिश्रा, ये मेरा इंट्रोडक्शन है जो आप देख सकते हैं। अब तक हमने देखा कि रशिया की क्रांति के लिए एक बैकग्राउंड तैयार हो चुका है, लेकिन उसमें और भी बहुत सारे इवेंट्स थे क्योंकि लोग जार को हटाना चाहते थे और चाहते थे कि एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आए। इसलिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो कि इमर्ज हो रही थी, अलग अलग ग्रुप्स में लोग काम कर रहे थे। लेकिन एक चीज हुई, रशिया में 1914 से पहले जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्हें इलीगल कहा गया। यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टी थी, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, जो कि 1898 में फॉर्म हुई थी और ये मार्क्स के आइडियाज के ऊपर बेस्ड थी। तो ये लोग मार्क्स के अनुसार जो कि बातें कही गई थी, जहां पे लेबर्स के बारे में और वर्कर्स के इंटरेस्ट के बारे में कहा गया और कहा गया कि कैपिटलिस्ट बहुत ही बुरी चीज है, किसी भी इंडिविजुअल के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, तो इस प्रकार की ये बातें थी। लेकिन ये तो सब कुछ सही है क्योंकि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी थी अब की कोई भी इस प्रकार की जो पार्टी है वो इलीगल होगी। तो इसीलिए अब ये जो पार्टी है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स, ये लोग एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहे थे। इन लोगों ने न्यूज़पेपर का सहारा लिया और बहुत तरीके से इन्होंने कोशिश की कि अलग अलग वर्कर्स को अपने साथ ये लोग जोड़ें और ये लोग स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज करते थे। तो ये लोग इस तरह से आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ जो सोशलिस्ट थे वो कंट्री में बहुत एक्टिव हो चुके थे। ये लोग चाहते थे कि जार को हटा के एक सोशलिज्म की शुरुआत हो, जहां पे जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसके कंट्रोल में सभी रिसोर्सेज होंगे। तो इन्होंने सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी बनाई 1900 में। ये पार्टी जब फॉर्म हुई तो ये स्ट्रगल कर रही थी पीजेंट्स के लिए, यानी कि किसानों के लिए, और ये चाहते थे कि जो किसान है उन्हें जमीन मिल जाए और जो भी जमीनें अभी बड़े बड़े मिनिस्टर्स के पास, नोबल्स के पास या जमींदारों के पास हैं, उनकी वो जमीनें छीन करके किसानों को दे दी जानी चाहिए। जो सोशल डेमोक्रेट्स थे वो इस बात से बहुत डिसएग्री करते थे, वो इसके समर्थक नहीं थे। उनके अनुसार जो पीजेंट्स हैं, जो किसान हैं, वो अपने आप में ही एकजुट नहीं है, क्योंकि लेनिन का ये कहना था कि जो भी पीजेंट्स हैं उनका जो ग्रुप है वो यूनाइटेड नहीं है, क्योंकि कुछ तो किसान बहुत ही गरीब थे और कुछ बहुत ही अमीर हैं, कुछ लेबर्स की तरह काम कर रहे हैं, कुछ कैपिटलिस्ट हैं, कुछ की अपनी कंपनियां हैं, अपने फैक्ट्रीज हैं, और वो लोग वर्कर्स को एम्प्लॉय भी करते हैं। तो वो खुद ही इतने अलग हैं और उनमें आपस में इतना मतभेद है कि उन्हें जोड़ करके एक साथ सोशलिस्ट मूवमेंट में शामिल नहीं किया जा सकता। अब जो पार्टी थी वो अपनी स्ट्रेटेजी और ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे उन्हें फील हुआ कि वो एक साथ काम नहीं कर सकते क्योंकि उनके ओपिनियंस अलग अलग थे, इसलिए ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक पार्ट था व्लादिमीर लेनिन का। व्लादिमीर लेनिन ने कहा कि वो एक बोल्शेविक ग्रुप के तरफ से है और ये जो ग्रुप है ये बात करता था एक ऐसी सोसाइटी की जहां पे जो लोग होंगे वो सभी डिसिप्लिन्ड होंगे और बहुत ही क्वालिटी ऑफ मेंबर होंगे, यानी कि इनका जो ग्रुप होगा यहाँ पे ये लोग बहुत सारे मेंबर्स को नहीं लेंगे, क्योंकि ये जार के खिलाफ थे तो ये चाहते थे कि डिसिप्लिन मेंटेन रहे और कम से कम लोगों के साथ ये अच्छी सी अच्छी पार्टी बनाए और ये जो पूरा ग्रुप है ये मिलकर के काम करे। ये लोग क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहे थे। दूसरा जो ग्रुप है वो है मेंशेविक का। मेंशेविक चाहते थे कि जो पार्टी है वो सभी के लिए खुली होनी चाहिए, जो चाहे वो यहाँ आ सकता है, इसका मेंबर बन सकता है। तो मेंशेविक में जो है हर तरह के लोग जुड़ रहे थे। तो एक तरफ हो गए बोल्शेविक और दूसरी तरफ हो गए मेंशेविक। जो बोल्शेविक हैं वो व्लादिमीर लेनिन के अंतर्गत काम कर रहे थे, ये आपको याद रखना है। अब एक पक्ष शुरू हुआ जो कि बहुत ही उतार चढ़ाव का समय था 1905 में। यहाँ पे एक चीज हुई, जो भी वर्कर्स थे वो बहुत परेशान हो चुके थे क्योंकि उनके वर्किंग आवर्स लिमिटेड नहीं थे और उन्हें बहुत ही कम वेतन मिलता था। इसीलिए फादर गैपॉन के साथ ये लोग विंटर पैलेस पहुंचे, यहाँ इन्होंने अटैक कर दिया पूरे महल पे। यहाँ पे इन्होंने 100 से ज्यादा वर्कर्स को मार डाला और बहुत सारे इसमें लोग घायल भी हो गए। इतनी ज्यादा मतलब ये हत्याएं हुई, ये जो
पूरा वक्त है, इस इंसिडेंट को कहा गया ब्लडी संडे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स मार दिए गए थे, बहुत सारे लोग जो हैं घायल हो चुके थे, और ये संडे का दिन था और इसमें बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ, इसलिए इसे ब्लडी संडे कहा गया। तो ब्लडी संडे के बाद बहुत सारी सीरीज और उस प्रकार की जो घटनाएं थी वो शुरू हो गई, और 1905 का जो रेवोल्यूशन था इसमें एक तरह से इसका पूरा जन्म हो चुका था। यहाँ पे एक बहुत अजीब सी, एक बहुत ही बड़ी सी क्रांति जो है वो शुरू हो चुकी थी। यही इसका रीजन है, सबसे बड़ा जो रीजन आप कह सकते हैं ब्लडी संडे, जहाँ पे वर्कर्स और लेबरर्स को मार दिया गया था। 1905 के रेवोल्यूशन में जब जार ने देखा कि लोग बहुत ही आक्रोश में हैं, बहुत गुस्से में हैं, और वो किसी भी काम को करने के लिए तैयार हैं, तो जार को लगा कि अब बहुत जरूरी है कि वो एक इलेक्टेटिव कंसल्टेटिव पार्लियामेंट का गठन करे, यानी कि एक संसद जहां पे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इसे कहा गया ड्यूमा। ड्यूमा मतलब आप समझ लीजिए कि एक पार्लियामेंट है या संसद है। यहाँ पे कहा इन्होंने कि अब जो यूनियंस और फैक्ट्रीज हैं और उनकी जो कम्युनिटीज हैं, जो वर्कर्स ने अलग अलग यूनियंस बनाए हुए हैं, जो कमिटीज बनाए हुए हैं, ये सब अनऑफिशियल हैं, और ये सब अगर सरकार के खिलाफ कुछ भी करेंगे तो इन्हें पनिश कर दिया जाएगा। इन्हें इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया और इनके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए गए। पॉलिटिकल एक्टिविटीज को भी बहुत हद तक कम कर दिया गया। जार ने पहली जो ड्यूमा इन्होंने बनाई थी उसे डिसमिस कर दिया, जो पार्लियामेंट थी उसे डिसमिस कर दिया, क्योंकि जार ने एक्चुअली में ये सिर्फ डर करके किया था, इसके पीछे जार का कोई बहुत अच्छा इंटेंशन नहीं था। 75 डेज के अंतर ही इसे खत्म कर दिया, लेकिन इन्होंने सोचा कि लोग क्योंकि मानेंगे नहीं, इसलिए इन्होंने रीइलेक्ट किया दूसरी ड्यूमा को, जो कि 3 महीने के अंदर ही तैयार हो गई। लेकिन इन्होंने ये फील किया, जार को ये लग रहा था कि उनके ऊपर बहुत सवाल उठ रहे हैं, उनकी जो अथॉरिटी है वो अब नाम की अथॉरिटी रह गई है, और अब उनकी शक्तियों में भी बहुत कमी आ गई है, सब कुछ उनका रिड्यूस हो चुका है। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना वोटिंग लॉज में कुछ चेंजेस किए जाएं। इसलिए उन्होंने वोटिंग लॉज को चेंज किया और तीसरी ड्यूमा का गठन हुआ। ये जो थर्ड ड्यूमा थी, यहाँ पे सिर्फ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को ही हिस्सा मिला, क्योंकि कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस वो लोग थे जो कि चाहते थे कि बहुत स्लोली चेंजेस आए, और वो सरकार का समर्थन भी करते थे, साथ ही वो किसी क्रांति पर नहीं बात करना चाहते थे, और वो किसी भी फास्ट रिवोल्यूशन के बारे में नहीं सोच रहे थे। तो ये कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को जो है बहुत पसंद किया गया और इन्हें रखा गया, और जो दूसरे लिबरल्स और रिवोल्यूशनरीज थे इन्हें बाहर निकाल दिया गया, और इन्हें कोई भी जो है हिस्सा नहीं मिला ड्यूमा में। धीरे धीरे 1914 का वक्त आ गया और जो पहला विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध, वो शुरू हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में पूरी दुनिया दो हिस्से में बंट चुकी थी। पहला हिस्सा वो जहां पे यूरोपियंस थे और उनके अलायंस थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, इन्हें कहा गया द सेंट्रल पावर, और ये लड़ रहे थे दूसरे ग्रुप के खिलाफ जो कि है फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया का ग्रुप। यहाँ पे इटली और रोमानिया भी शामिल है। तो फ्रांस, ब्रिटेन और टर्की जो है, सॉरी, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया जो है, ये एक ग्रुप दूसरे ग्रुप में है, और जहां पे रशिया जो है हम इसे देख रहे हैं, इसका रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि बाद में जो है ये लोग जीत जाते हैं, ठीक है, और सेंट्रल पावर हार जाते हैं। तो अब क्या हुआ कि एक पूरा वक्त जो है ये, इस वक्त में यूरोप के अंदर तो लड़ाइयां चल ही रही थी, लेकिन ये लोग यूरोप के बाहर भी लड़ रहे थे, एक जो ग्लोबली एक तरह से जो है विश्व में, पूरे विश्व भर में इनके युद्ध चल रहे थे। इसके वजह से इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो रशिया है उसके पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, लेकिन इनके लिए जो इंडस्ट्रियल गुड्स हुआ करते थे उनकी सप्लाई को रोक दिया गया, क्योंकि ये जो इनकी सप्लाई आया करती थी वो बाल्टिक सी से होते हुए आती थी, और बाल्टिक सी के ऊपर जर्मनी का कंट्रोल था। तो जर्मनी क्योंकि दूसरे ग्रुप में है, तो वो सेंट्रल पावर्स के ग्रुप में थे, तो वो नहीं चाहते थे कि कभी भी रशिया का कोई भी फायदा हो, तो वो लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा करते थे। इसी की वजह से रशिया की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बहुत कुछ झेलना पड़ा, उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। 1960s में रेलवे लाइंस जो थी वो भी अब ब्रेक डाउन होने लगी, क्योंकि जो भी अच्छे खासे आदमी थे उन्हें वॉर में बुला लिया गया, युद्ध लड़ने के लिए बुला लिया गया, क्योंकि जब युद्ध लड़ने के लिए बुलाया गया तो अब लोगों की कमी हो गई, अच्छे कोई लोग नहीं थे, लेबर्स की शॉर्टेज हो गई, वर्कशॉप्स में जो है बहुत ही कम सामान प्रोड्यूस होता था, और बहुत सारे वर्कशॉप्स को तो बंद भी करना पड़ा। अब जो बहुत ज्यादा खाना था, अनाज था, वो आर्मी को भेज दिया जाता था, क्योंकि अगर आर्मी में जो युद्ध करने
करने के लिए जो सेनानी हैं, अगर उन्हें खाना नहीं मिलेगा तो वो युद्ध कैसे करेंगे, इसलिए पहले उन्हें खाना भेज दिया जाता था। इसलिए जो लोग शहरों में रहते थे उन्हें खाने के लिए उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, ब्रेड और आटे के दाम बढ़ते जा रहे थे, लोग बहुत परेशान थे और 1916 में जगह जगह पर दंगे होने लगे क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो ये सब हो रहा था फरवरी रिवॉल्यूशन में। जो मिलिट्री कमांडर्स थे इस बात से तंग आकर उन्होंने कहा कि जार को हटाना बहुत जरूरी है और वो चाहते थे कि अब वो खुद कंट्रोल करें। इसलिए इन लोगों ने जो है 2 मार्च को इस बात के ऊपर ये लोग एडवाइस इन्हें दिया गया कि वो एबडिकेट कर दें, मतलब सब कुछ खत्म करके अटैक करें। इसके बाद जो सोवियत लीडर्स थे वो ड्यूमा के जो लीडर्स थे उन लोगों ने मिल करके एक प्रोविजनल गवर्नमेंट को फॉर्म किया। ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है ये कंट्री को चलाएगी और जो रशिया का पूरा फ्यूचर है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है इलेक्ट किया जाता था यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के द्वारा और यहाँ पे सभी लोग मिलकर के इन्हें इलेक्ट करते थे और ये लोग एक संविधान के अनुसार काम करते थे। तो ये जो फरवरी रिवॉल्यूशन है इस तरह से चला और इसके बाद जो मोनार्की है, जो जार है, वो उनको खत्म कर दिया गया और मोनार्की अब खत्म हो चुकी थी। फरवरी 1917 तक आते आते जो रशिया है अब वहां पे कोई राजशाही नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है और एक पूरी पार्टी है जो कि काम करेगी। लेकिन फरवरी के बाद भी अप्रैल 1917 में बोल्शेविक लीडर जो कि व्लादिमिर लेनिन है, आपको याद होगा दो पार्टी थी मेंशेविक और बोल्शेविक, तो जो बोल्शेविक लीडर थे व्लादिमिर, इन्होंने कहा कि नहीं ये चीजें सही नहीं है क्योंकि आपको पहली बात तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हो रहा है इससे अपने आप को बाहर निकालना चाहिए क्योंकि युद्ध में बहुत खर्चा हो जाता है, तो सरकार को अब युद्ध में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, युद्ध में बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है और खाने पीने का भी नुकसान होता है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम युद्ध लड़ सके। और उन्होंने ये भी कहा कि अब जो है जो लैंड्स हैं वो पीजेंट्स को ट्रांसफर कर दिए जाने चाहिए और जितने भी बैंक्स हैं उन्हें भी नेशनलाइज करना चाहिए। ये सारे डिमांड्स थे जिन्हें कहा गया लेनिन्स अप्रैल थीसिस। लेनिन्स अप्रैल थीसिस जो है इसमें इनकी पूरी डिमांड्स को रखा गया और फिर इन्होंने अपनी पार्टी जो कि बोल्शेविक पार्टी थी इसको रीनेम किया, इसका नाम बदल के कम्युनिस्ट पार्टी रखा ताकि वो अपने रेडिकल एम्स को इंडिकेट कर सके। बहुत सारे बोल्शेविक लीडर्स को खुद पहले लग रहा था कि ये जो अप्रैल थीसिस में बातें कही गई हैं वो शायद सही नहीं है और वो नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे उन्हें सपोर्ट मिलने लगा और फिर उन्हें लगा कि हाँ कुछ हो सकता है। तो लोग जो है फिर आगे बढ़े, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम प्रोविजनल गवर्नमेंट के साथ युद्ध लड़े, क्योंकि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट आपको याद होगा यहाँ पे जब राजा को मार दिया गया और प्रोविजनल गवर्नमेंट जब फॉर्म हो गई तो उनके खिलाफ ये बोल्शेविक जो है वो आए और इनके पास एक रेड आर्मी थी जो कि इनके सपोर्टर्स थे, तो इन्होंने अपने सपोर्टर्स के साथ मिलकर जो कि फैक्ट्री के ओनर्स थे, अलग अलग जगह से जो भी लोग आते थे सबके साथ मिलकर के इन्होंने एक मिलिट्री रेवोल्यूशन किया। इन्होंने रिस्पॉन्स और इन्होंने इसके इनके खिलाफ ऐसा रिस्पॉन्स था इनका कि ये चाहते थे कि किसी भी तरह से इनको प्रोविजनल गवर्नमेंट के लोगों को हटा दिया जाए और इन्होंने पूरी क्रांति पे ये लोग उतर आए थे। इनके अंदर बहुत आक्रोश था, बहुत गुस्सा था, इन्होंने सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज को सीज कर लिया, सभी मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर दिया और इनका जो ऑरा था वो फैलता ही जा रहा था। और फिर जो इन्होंने विंटर पैलेस है ये वहां पे भी गए और वहां पर पे भी जाके इन्होंने उसको अटैक कर दिया, तो बहुत सारा मतलब खराबा हो रहा था। तो अब जो है जल्द ही पूरा का पूरा जो शहर है वो इनके कंट्रोल के अंदर आ गया, इनकी कमिटीज के कंट्रोल के अंदर आ गया, जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने भी सरेंडर कर दिया क्योंकि सब लोग बहुत डर गए थे। तो सब लोग जो है अब इनके साथ आ गए और बहुत सारी दूसरी पार्टीज ने भी मेजोरिटी ने अप्रूव किया बोल्शेविक एक्शन को और उन्होंने कहा कि ठीक है जो बोल्शेविक्स हैं वो जीत जाएंगे और वो चाहें तो आगे यूएसएसआर को फॉर्म कर सकते हैं और एक तरीके से एक नई गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म होगी। अब जो है बहुत ज्यादा युद्ध लड़ने के बाद आखिर उन्होंने मॉस्को के ऊपर इनकी विजय हुई। मॉस्को के ऊपर जब इनकी जीत हुई तो जो दिसंबर का जब दिसंबर आते आते जो बोल्शेविक्स हैं उन्होंने कंट्रोल कर दिया मॉस्को पेट्रोग्राड के एरिया को और ये पूरा जो राज शासन था इनके अंतर्गत आ गया जो लेनिन संभाल रहे थे। तो यहाँ पे लेनिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। 1850 से 1880 तक में सोशलिज्म के डिबेट्स चल रहे थे, सिर्फ सोशलिज्म को कैसे लाया जाए इसके बारे में बात हो रही थी। 1898 में फॉर्मेशन हुआ रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का
लेकिन इसे इलीगल कहा गया था, आपको याद रखना है। 1905 में ब्लडी संडे हुआ जब बहुत सारे वर्कर्स को मार दिया गया था और 1905 का रेवोल्यूशन शुरू हो गया। 1917 सेकेंड मार्च को जो है जार को हटा दिया गया, उनको मार करके बोल्शेविक जो है वो अपराइज हुए। अब ये जो तीन इवेंट्स हैं ये हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, जहां हम सिविल वॉर को और कलेक्टिवाइजेशन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि सोशलिज्म के बाद कैसे रशिया बदल गई और वो सोशलिज्म का आइडिया पूरी दुनिया में कैसे फैला। तो यहां हमारा ये सेकेंड पार्ट एंड होता है, इसका एक आखिरी पार्ट बचा है पार्ट सी, जो कि हम देखेंगे।